सुषमा जी यहाँ खड़ी होके महंगाई पे जब चर्चा करते थे हम वहां बैठते थे, अभी भी मुझे याद है उनका एक एक शब्द तब का, कि तभी महंगाई पे हम पे टीका टिप्पणी जो करती थी बहुत शांति थी, हम सुनते थे क्योंकि हमको लगता था वो कुछ फीडबैक दे, और हमेशा उनके भाषण में कुछ सुझाव होते थे और हम उनके सुझाव सुनते थे और उन पर अमल करने की कोशिश भी हमारी यूपीए की सरकार करती थी। आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे बड़े बड़े नंबर्स और 60 सालों की बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने, लेकिन अभी उनको भी वहाँ बैठे 8 साल हो गए। मैंने पिछली बार एक बार बोला था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला, मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बार कि 8 साल बहुत होते नहीं, बहू भी शादी होके जब घर आती है ना तो 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं सुनता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है। तो यही महंगाई का प्रॉब्लम है। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते, फैसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। मेरी दोस्त और सहकारी कनी मुजी जी ने एक बच्चे के बारे में बोला, वो बात सही है, कीर्ति दुबे 6 साल की, आज सारे पेपरों में उसने जो खत लिखा है बहुत अच्छा अच्छे अक्षर में उसने लिखा है। मैं सिर्फ इस सरकार को पूछना चाहती हूँ, आज एक सेल 6 साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है और इनका ही नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, अगर इस भारत की बेटी लेके जा रही है एक खत एक पेंसिल के लिए और किसके लिए, कि जो पढ़ाई हम इस देश में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रोग्राम जो अटल जी ने लाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो हमने भी आके लिया जब हमारी सरकार थी तब, लेकिन जिस किस किस पे इन्होंने GST लगाया मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। अभी ये GST के मामले में अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, वो पढ़ के फिर मैं आपके GST के, हम जब बच्चे थे सर हमको ये सिखाया गया था, दत्ता दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्ता दत्ता दत्ताची गाय, मतलब दत्तक की गाय, गायीच दूध, गाय का दूध, दूधाची साय, दूध पे जो साय आती है ना वो, साईच दही मीन्स वो साय का दही बनता है, दहीच ताक तो वो दही का ताक बनता है, ताकाच लोणी बटर और लोण्याचं तूप मतलब घी, तो ये दत्त दत्त दत्ताची गाय, गायीचं दूध, दुधाची साय, साईचं दही, दहीचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप, ये सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्तगुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे अपने GST लगा दिया है। सही है, भगवान पे अभी तक नहीं लगाया। तो आप सोचिए, पनीर, कर्ड, लस्सी, जैगरी, शुगर, नेचुरल, पफ्ड राइस, मुरमुरा, हमारे सारे कलकत्ते के दोस्त कब से बोल रहे हैं उसके बारे में, मुरी के बारे में, राइस, व्हीट, टेंडर कोकोनट, राइस फ्लावर, और निशिकांत जी गेहूं के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनका सुन के। वो कह रहे थे कि इस देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे हैं, अच्छी बात है। कोई जब देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। माँ बाप सरकार होती है, जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है, इसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या, इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया है, ये आपकी सोच है। सुषमा जी का पूरा डायलॉग आप भूल गए। तो GST के बारे में और एक बार इनका जवाब जब आएगा तो कहेंगे GST काउंसिल ने किया, हर मंत्री स्टेट्स ने किया है। ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ और खट टेबल भी कर सकती हूँ सर, कि महाराष्ट्र सरकार, तब हमारी सरकार इन्होंने तोड़ी नहीं थी, अच्छे से चल रही थी, सो जब चल रही थी तो महाराष्ट्र की तब की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए,
तो जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था सभा, और ये कभी वोटिंग लेते हैं? बहुत सारी चीजें मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है कि या नहीं भी ऑन रिकॉर्ड वो हाँ या ना में जवाब दे कि आप सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में जो पास होती है वो यूनैनिमसली होती है, अगर नहीं होती होती तो किस राज्य ने विरोध किया, ये हमसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये साफ हो जाए, क्योंकि हम सुन के थक गए कि जीएसटी काउंसिल, ये तो अच्छा इनको मिल गया, मेजोरिटी इनकी है, एक बड़ा बहाना हो गया। डीमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं सिर्फ एक सिर्फ इनको याद दिलाना चाहती हूँ, निशिकांत जी ने कहा कि 60 साल में ये पॉलिसी गलत हुई, ठीक है बहुत सारी हमारे से गलतियां हुई, यही तो इसीलिए यहाँ आए, नहीं तो वहां बैठे रहते, शायद हुई भी होगी गलती हमारे से, जो काम करता है सर वो गलती करता ही है, कोई बात नहीं, और गलती तो हो गई, लेकिन आप सोचिए डीमोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, किसी ने पहले, मैं बोलने नहीं वाली थी लेकिन मैं सिर्फ टिप्पणी कर रही हूँ छोटी सी पे, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में किसी ने बोला, द बांग्लादेश टुडे इज एन एक्सपोर्ट रेमिटेंस एंड एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी एंड वी वर डूइंग वेल टुगेदर, क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ग्रू एट 3.7 एंड बांग्लादेश ग्रू एट 8.2 एंड द ओनली रीजन वॉज डीमोनेटाइजेशन, और क्या पाया, मैं दोहराने नहीं चाहती जो मेरे पहले वक्ता बोले हैं, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू टॉक्ड अबाउट इट, आई वांट टू इवन आस्क द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अबाउट हाउ मच मनी इज इन सर्क्युलेशन, द सीआईसी, he has quoted a lot of numbers, everybody, anybody who knows, I am not a finance expert nor am I an economist, but this much little I know in finance, that whenever you overprint money, which is probably right thing when you need it because you wanted to rise demand, so you needed to bring in the cash, I appreciate that, but everybody knows whenever you print extra notes it leads to inflation, it's a very common economic knowledge, you don't need to be very smart for that. So in that case, when you are looking at reducing monies, why did you print so many notes? And what is the exact amount of in circulation? Because you are at one level. You keep telling people to go to banks. I want to just bring this to your knowledge very quickly, that you are encouraging people to going to the banks, which is welcome. We've all worked very hard to make sure everybody in our constituency all goes to the bank. Sir, आपको पता है खर्चा कितना होता है? अगर आप ATM withdrawal करें, तो पता है कितने बार? Many banks allow up to 5 free transactions. So every time you, after the 5th time in some banks, आप पैसा निकालने जाओगे, तो आपको पैसा देना पड़े. खुद के पैसे निकालने के लिए. White का पैसा जो इन पे विश्वास रखे आप बैंक में रख रहे हैं, वो खुद का पैसा निकालने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है. Debit card annual fee. Now what is the debit card annual fee? 99 to 75th. और बेचारे का घूम गया कहीं, कहीं हो सकता है. उसको 200 रुपया उस पर और देना पड़ेगा अगर नया कार्ड बनाओ. बैंक स्टेटमेंट जो हक का अपना है, आपको प्रिंट चाहिए तो 50 या 100 रुपया. मनी ट्रांसफर टू RGTS, मनी ट्रांसफर टू NEFT, सर्विस चार्जेस ऑफ बेसिक बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, चेक बुक चार्जेस, एट द रेट वी आर गोइंग ओनली लाइक दैट गाय का दत्ता का प्रॉब्लम, बैंक में भी वही प्रॉब्लम है, ओनली गोइंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द बैंक इज फ्री, रेस्ट यू हैव पे फॉर एवरीथिंग यू हैव टू. सो आई रियली वॉन्ट टू आस्क दिस गवर्नमेंट वॉट इज देयर थिंकिंग. निशिकांत जी टॉक्ड एक्सटेंसिवली अबाउट LPG. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क हिम वन स्मॉल क्वेश्चन, आई वॉन्ट रिपीट ऑल द पॉइंट्स माई अर्लियर कॉलीग्स हैव सेड, बट ही सेड दैट द प्राइस वॉज द सेम, बट ही फॉरगॉट टू मेंशन that the government was paying the subsidy that time. The UPA government never let the cylinder go about 300 and 400. So where is this magic number of 1,000 that he's creating from? Yes. Only he knows, maybe we'll get a reply for it. Somebody talked about the falling rupee. I still remember Sushma ji, and it had pained me, so I'd like to quote her here. Jaise jaise currency girti hai, vaise vaise desh ki pratishtha bhi girti hai. So last, just two small questions I want to ask her. I just want to ask her two very small questions. He talked about this cess question. I've never got a reply from this government. This government charges cess for primary education, secondary education, health, GST compensation, additional excess. So much cess gets collected. There are 12 ways you collect cess. Why don't you give this to the poor consumer? I think we need to, they deserve to do it. They talked about two very small points I want to just ask about this U-turn of this government. The government talked about wheat.
So just last, literally last 2-3 points, that's all. In short, I'll club it together, sir. This government made a policy, he talked about wheat. Now, what did this government do about wheat? Unhone ek din wheat policy ki, aap log bech sakte. Within 3 days, there was a U-turn on that policy, there is ban, complete ban. Why? Ek baar aap kehte, you have enough reserves. So when 2 rupees extra is going into the farmer's kitty, then why have you stopped? One side, is there, I want to ask this government, is what, will you give me a white paper on WMO income? The other day, a mantri from here is saying, "Arey, dugna ho gaya, dugna ho gaya." Yes, you tell us how it is dugna ho gaya. And last one point only. Sir, this solar energy, now they are saying GST. Now they keep saying that they have a complete kitty of coal, hydrogen, everything together, and it's going to be a green government. By 2030, they want to get rid of petrol, they want to get 20, it's only 8 years, sir. That's the commitment this government is doing. And when this solar energy, they're taxing everything at 18%. So, I mean, is the poor Prime Minister, who has a great vision, is confused by his own ministers? The policy that one mantralaya is doing and the other mantralaya is doing, they're misleading the Prime Minister of this country. Because in his speech, he keeps telling us that he's going to make sure that it's a green country, it's a safe country, it's going to be an affordable country to live in, while all his each department comes with a different story. Please. So I'm really concerned as what he says and what happens in reality are too different. But I want to say that today, there is a female Vritta Mantri today, who knows pain. They have said Pyaas, because Pyaas is the most, they have SI, but चतुर है इसलिए सिर्फ प्याज के दाम के बारे में बोला क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है. थैंक यू. आप पेट आंकड़ों से नहीं भरता सर, पेट के लिए और गरीब आदमी को ध्यान लगता है. मुझे सिर्फ विनती है वित्त मंत्री जी, आप एक महिला है, आप घर चलाती है, आपके एक बीजेपी के प्रेसिडेंट ने मुझे बोला था घर जाइए, मुझे बोला था आपको नहीं. आई थैंक